लोकसभा चुनाव से पहले भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के कारोबारी के घर छापेमारी की, जहां पर पुलिस ने देसी शराब के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। छापेमारी के दौरान SSP आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि महेशपुर इलाके के रहने वाले शराब कारोबारी अमित शाह के घर में शराब छुपा कर रखा गया है। SDPO 2 राकेश कुमार के नेतृत्व टीम बनाई गई, जिसके बाद शराब कारोबारी अमित शाह के घर पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 14,98,000 रुपए कैश बरामद किए और 15 बोतल विदेशी शराब जप्त किया। रविवार को बबरगंज थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर DSP 2 राकेश ने यह जानकारी दी। दिनांक 30/3/2024 को सीनियर SP साहब के आदेश के अनुसार हम लोग लोकसभा चुनाव कर लेकर सघन वाहन चेकिंग तलाशी अभियान कर रहे थे। इसी तलाशी अभियान के क्रम में सूचना मिली कि महेशपुर गांव में शराब का कारोबार की जा रही है, जहां पर उनके घर पर छापेमारी किया गया, जहां से उनके घर के तलाशी के क्रम में 4.5 लीटर शराब और 14,93,600 रुपया नकद बरामद की गई है। जब उनसे बरामद रुपया संबंध में कागजात मांग की गई, उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं गया है। उस बात संबंध हम रुपया थाना लाए हैं। एक व्यक्ति जो इसमें कारोबारी जो है अमित शाह, उनको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, इन पर 3 आपराधिक इतिहास है, बबरगंज थाना में अंकित किया गया है। इसमें इनके ऊपर आर्मस्पेक्ट का केस है, शराब बेचने का केस है और बम विस्फोट अधिनियम का केस दर्ज इन पर है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर भिट्टी के रहने वाले अरविंद पासवान की छोटी बहन 18 मार्च से लापता है, जिसको लेकर भाई अरविंद पासवान थाना से लेकर पुलिस के वरीय अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित लगातार वरीय पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा है। वहीं वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा भी कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन बहन के नहीं मिलने के कारण पूरा परिवार परेशान है। वहीं लोगों का कहना है कि गांव के ही बिरजू चौधरी के परिवार के द्वारा बहला फुसलाकर लड़की को अगवा कर लिया गया है। कि मेरा बहन जो है ना अपहरण कर लिया है 18 तारीख के डेट में 4:30 बजे सुबह। क्या कुछ कह के निकली थी या कौन अपहरण किया है आपको? अपहरण तो पता चल गया कि सुबह जो है ना बगल वाला जो है ना बिरजू चौधरी, वो लड़का का पिताजी है, और मैं लेके गया है चंदन कुमार, उसका माँ और उसका भाई सब मिलके जो है घर से फिरा रहा है। क्या लगता है आपको कहाँ लेके गया, क्या किया? कहाँ लेके गया अभी तक तो पता नहीं चला है, घर से सब बंद करके सब शक लग गया है कि वो बेचने के ख्याल से शायद शादी के नियत से नहीं लेके गया है। वो जो है ना उसका पैसा है इस तरह से, पहले भी किया है उस घटना, पहले भी जो एक दूठों का जो शादी के जहाँ से दे के ले जाके बेच देता है इधर उधर बंगाल में UP में इसी तरह। थाना में आवेदन? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं 18 तारीख को, 21 तारीख को केस हुआ। क्या कुछ कर रही है पुलिस का? पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आपको सूचना कैसे मिला था कि ये मतलब आपकी बहन को भाई? हाँ, सूचना इसलिए मिला कि अगल बगल वाला बोला कि वो लोग सब टीम मिला के जा रहा था, देखे हम लोग। कैसे परिचय हुआ था सिस्टर के? परिचय शुरू से कोई परिचय नहीं था उसका सर जी, और उसके बाद जो है ना अब कैसे इकला है ये हम लोग तो नहीं जानते हैं सर। अभी बच्चा हाल है, उस 17.5 साल से कम में उम्र है, लेकिन आधार कार्ड में उसका 17.5 है। हाँ, नाम क्या है बच्चे? खुशी कुमारी। आपका नाम क्या? मेरा अरविंद पासवान। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर भिट्टी थाना सबौर जिला भागलपुर। भागलपुर पुलिस में एक ऐसा जवान है जो सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करते हुए बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को अपने पैसे से खरीद कर हेलमेट बांटते नजर आता है, जिसे लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। मूल रूप से बांका निवासी भागलपुर पुलिस बल में कार्यरत धनंजय कुमार भागलपुर के 0 माइल चौक पर पिछले कई वर्षों से लोगों को यातायात नियम के पालन के लिए जागरूक करते हुए दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट यात्रा न करने की सलाह देते हुए बिना हेलमेट पहने चालक और उसके साथ यात्रा करने वाले लोगों को अपने पैसे से खरीद कर हेलमेट देते नजर आते हैं। इस दौरान पुलिस जवान धनंजय ने बताया कि उसके पड़ोसी युवक की मौत बाइक दुर्घटना में कई वर्ष पहले हो गई थी। पड़ोसी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिस कारण उसकी मौत हो गई, और उसी दिन से उसने लोगों को जागरूक करने के लिए ठाना है और लगातार खुद के पैसे से हेलमेट खरीद कर लोगों को बाइक की सवारी करते वक्त बिना हेलमेट पहनकर नहीं चलने की अपील कर रहे हैं। वहीं भागलपुर पुलिस बल के जवान धनंजय कुमार द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोग जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं। देखिए सर,
मैंने 2013 में नौकरी ज्वाइनिंग किए थे और तकरीबन 2 या 2.5 साल के बाद हम अपने पड़ोसी जो एक लड़का अभी जो कंपनी चल रहा है जैसे कि RCM ये सब में उसमें वो काम करता था और वह लड़का हेलमेट नहीं पहना था और एक्सीडेंट होकर के वो डेथ कर गया। ठीक है, उसी दिन से हमको लगा कि नहीं हेलमेट जो है पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2018 से ये हेलमेट बांटना चालू किया हूँ, है ना, कि ताकि अगले आदमी जो है उनका भी घर परिवार जो है घर में उनको उनका बाल बच्चा याद करता है कि मेरा पिताजी आएंगे मम्मी आएगी। हेलमेट रहने के बाद ऐसे घटना होने से वंचित रहता है लोग और हो सकता है तो हॉस्पिटल जाते जाते वह किसी न किसी रूप में बच जाता है। अगर जो लड़का या पुरुष हेलमेट नहीं पहनते हैं उनका जो है कि हम देखे हैं कि प्लॉट डेट हो जाता है या तो हॉस्पिटल जाते जाते हुआ है ना। हेलमेट बांटने का राशि कहाँ से आती है? देखिए सर, हेलमेट बांटने का राशि कहीं से नहीं आती है, एक आदमी के मन में सिर्फ भावना होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, वो कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिक है ना भरपाई हो जाता है। मैंने अपना हेलमेट जो बांटने का प्रक्रिया जो चालू किया अपने वेतन के पैसे से हेलमेट बांटता हूँ, उसमें मैंने सोचा हूँ कि हर माह कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपया का हेलमेट बांटूंगा चाहे जैसे भी हो। और हमारे घर के जो मम्मी पापा है उनका फुल सपोर्ट है और भैया भाभी जो है टीचर है उनका फुल सपोर्ट है, वो लोग कहते हैं कि ये सब काम बहुत अच्छा काम है, तुम जो काम कर रहे हो यही काम यही पूंजी है, अब बाकी धरती पे कोई पूंजी नहीं है, मर के लोग चला जाता है और उसका कोई पूंजी नहीं है जो हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने प्रत्येक संडे संडे को 5,000-6,000 का कपड़ा लेते हैं और जितना भी भागलपुर में गरीब है जो मिलते हैं रोड पे मिले कहीं भी मिले मैंने उन्हें कपड़े दिए हैं, खाना दिए हैं, पानी दिए हैं, है ना। और ये काम मैं जब तक रहूँगा तब तक ये मेरा बरकरार चलते रहेगा। बाइक सवार लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, बाइक सवार लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि उसका हम छोटा छोटा वीडियो भी फुटेज करते हैं, क्यों उसका संदेश हम यही देना चाहते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनने से अपने जान का सुरक्षा होता है ना। और उसके बाद फिर हेलमेट पहनने से दूसरे को भी संदेश मिलता है कि अगले आदमी भी देखेंगे तो भी कहेगा नहीं हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ट्रैफिक रूल अर्थात सरकारी नियम का भी लोग पालन होता है। आपके मन में ये रुचि कब से आई? देखिए सर, हम एक YouTube पे छोटा सा क्लिप देखे थे कि एक जो है कि लड़का खाना बांट रहे थे, ठीक है, तो हमने उस रुचि को देखते हुए दूसरे आदमी को भी खाना बांटे, कपड़े बांटे, और हमको लगा कि जब हम पुलिस विभाग में हैं तो हम छोटा सा काम क्यों नहीं करें, हेलमेट ही क्यों नहीं बांट दें। उसी दिन से हमको हुआ कि नहीं हेलमेट बांटना बहुत ज़रूरी है। अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम धनंजय कुमार पासवान हुआ, मेरा घर बांका जिला हुआ और मैं भागलपुर जिला बल में काम कर रहा हूँ। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदा नरेंद्र मोदी के समर्थन में इन दिनों तमिलनाडु से दिल्ली 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर है। बुलेट से वो यात्रा कर रही है। बुलेट से 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर राजलक्ष्मी मंदा भागलपुर पहुंची। यहां भाजीमो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजलक्ष्मी ने बताया कि एक समृद्ध भारत के लिए मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले हैं। इसी लक्ष्य के लिए वो तमिलनाडु से दिल्ली तक की यात्रा पर निकल चुकी हैं। अब तक मैंने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों में प्रेम उत्साह देखा जा रहा है। लोग नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में देख रहे हैं। अब तक कहीं भी लोगों ने तकलीफ नहीं दी, ना किसी ने हमारा विरोध किया है। बिहार में है, बिहार से उत्तर प्रदेश हरियाणा की यात्रा करते हुए 18 अप्रैल को दिल्ली पहुंच जाऊंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सियाराम जय, सियाराम अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक।
ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की जिला स्कूल सभागार में उस समय भावुक कर देने वाला दृश्य दिखा जब जिला स्कूल से 1967 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा के पास आउट छात्र 57 वर्षों बाद एक दूसरे से मिले। वर्षों बाद देश के अलग अलग हिस्सों से अपने स्कूल पहुंचे सभी लगभग 75 वर्ष के बुजुर्गों पर एक दूसरे मित्रों से मिलने की जहां खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी, वहीं कई मित्रों के खोने का भी गम आंखों से टपक रहा था। सभी अपने बचपन के दिनों को याद करते दिखे। हम लोग का कार्यक्रम यही था कि जो लोग जहाँ भी रहे हैं कम से कम वो पूरे भागलपुर में आ जाए, क्योंकि जिला स्कूल से ही हमारा स्टार्ट हुआ था। ऐसे प्रोग्राम तो बहुत जगह था कि रांची भी करेंगे, दिल्ली भी करें, लेकिन नहीं हुआ। ये पेड़ यहीं से शुरू हुई है, टहना यहीं से शुरू हुआ है। और जो दिन है, ये दिन है मोबाइल का। आज मोबाइल नहीं होता था हम इससे नहीं मिल पाते, यही हम इससे बात नहीं कर पाते। हम वही जानते मोबाइल हमको मिल गया और हमको मन में था कि सब लोग आपस में। केवल जिला स्कूल के जमीन पर आकर के हम लोग अपने आप को रिवाइव किए कि हम लोग यहाँ थे कभी, वो बचपन का मोमेंट को याद किए, फील्ड में घूमे, कैंटीन कभी हुआ करता था वहाँ समतल जमीन मिला, कहीं हम लोग खेलते थे वहाँ पर धूल ढकना मिला, लेकिन जब भी अपनी मिट्टी, अपनी खुशबू, अपनी सब चीज याद बहुत आता है। और हम लोग सभी लोग जितने मिले हैं इतनी खुशी है कि हम इसको वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। भगवान से मनाते हैं कि हम लोग जितने भी हैं सारे चिरंजीवी हों, अगले साल फिर हम लोग किसी तिथि को फिक्स करेंगे और हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसा आशा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस क्षण की कल्पना नहीं कर सकता, इसका सारा श्रेय हमारे मित्र गोपाल कृष्ण को जाता है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे भागलपुर से जहाज उड़ गया हो। आफ्टर हाफ सेंचुरी हम लोग मिले हैं, कितनों का चेहरा भूल गए थे, कितनों का याद था, लेकिन आज जो मिलकर खुशी हुई है अवर्णनीय है। मैट्रिक का सबसे यादगार कौन सा है? एक से एक है, कुछ एक हम नहीं बता सकते हैं। वो इमली पीछे इमली का पेड़ है, वो इमली का पेड़ से इमली तोड़ के खाना, वो एक दूसरे का टांग खींचना, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, टीचर्स की नकल करना, उनको निक नेम देना, सारे हम लोगों को याद है। शेयर वो नहीं करूँगा, शिक्षक का अपमान होगा, बहुत सारी यादें इकट्ठी बैठी, इसलिए इसके लिए कुछ विशेष हम नहीं कर पाएंगे। वैसे ये बहुत अद्भुत क्षण है हम लोगों के लिए, मोमेंटस मोमेंट फॉर अस। ऊपर वाले की असीम कृपा, आप लोग की शुभकामना, और ये हमारे जो सभी मिलन के साथी हैं इनका जो है प्यार प्रेम आज तक जो है सो यहाँ खींच लाया है। यह क्षण जो है अद्भुत क्षण है, परिवार के लिए भी, आप लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायक है कि इतने वर्षों के बाद जो है सो हम लोग किस रूप में इतने अच्छे रूप में इकट्ठे हो गए हैं। यह ऊपर वाले की असीम कृपा है और मिलन कराने वालों क्षण को जो है हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और ये
अद्भुत ये पृथ्वी है, धरती है, जिसका जो है सो हम लोग ऋणी हैं। वह ऋण नहीं उतार सकेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग का जो है जो विकास यहीं के वातावरण से हुआ है। नगर विकास समिति दक्षिण क्षेत्र के द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण सत्यनारायण शाह, आयोजन के संरक्षक डॉक्टर नीरव, भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, राकेश रंजन केसरी के द्वारा किया गया। इस आयोजन में बच्चों एवं बच्चियों के द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति की गई। नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण ने कहा कि यह हमारा 25वां होली मिलन समारोह है। इस होली मिलन समारोह कराने का मुख्य मकसद यह होता है कि हमारे सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर यह होली मिलन समारोह मनाए। सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन नागरिक विकास समिति के द्वारा आयोजित हर वर्ष किया जाता है। यह कोविड पीरियड में सिर्फ नहीं हुआ था, यह 25वां आयोजन हमारा दक्षिणी क्षेत्र में है। होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह हम लोग इस संस्था के द्वारा आयोजित करते रहे हैं और इसमें सभी लोग, आप देख रहे हैं कि हमारे सामाजिक सद्भावना सचिव प्रोफेसर साहब रोज साहब भी हैं, सारे संप्रदाय के लोग इसमें इकट्ठा होते हैं और सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे, एक दूसरे पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास का वातावरण हो, इसके लिए हम सभी प्रयासरत रहते हैं। यह होली मिलन समारोह है, एक उमंग का माहौल है, एक खुशी का माहौल है, यह समृद्धि दे समाज में, इसके लिए हम सभी एक साथ मिल करके प्रयास करते हैं। मैं रमन कर्ण, अध्यक्ष नागरिक विकास समिति भागलपुर। डकैती कांड में फरार 25,000 का इनामी अपराधी टीना महतो उर्फ श्रीकांत उर्फ भुर्गेना सिंह बरियारपुर से गिरफ्तार किया गया। मामला भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र की डकैती का है। जानकारी देते हुए कहलगांव डीएसपी स्वर्ण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभियुक्त रीना महतो उर्फ श्रीकांत उर्फ भुर्गेना सिंह कई वर्षों से फरार चल रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव की निगरानी में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम ने रीना महतो श्रीकांत सिंह मृगना सिंह को बरियारपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार टीना महतो मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना के हरिनमार का रहने वाला है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव की निगरानी में गठित टीम में कहलगांव अनुमंडल के कई थानों की पुलिस थी। एक 25,000 रुपए के इनामी टीना महतो उर्फ श्रीकांत सिंह की बरियारपुर से गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने 2013 में एक डकैती का कांड करके अब तक फरार थे और इन पर फरारी के बाद 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एक टीम गठित की गई थी एसएसपी महोदय के द्वारा और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है।